आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी के एक ट्वीट को लेकर काफी सियासत इस वक्त गर्मा गई है। दरअसल मध्य प्रदेश में एक चिट्ठी जमकर वायरल हो रही है जिसमें लिखा गया है कि ठेकेदारों से 50% कमीशन मांगा जा रहा है। इस पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसे लेकर बीजेपी ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधा और कहा कि प्रियंका के खिलाफ इंदौर, भोपाल, दिल्ली में FIR दर्ज करवाई जाएगी। तो लेटर जो वायरल हो रहा है उसमें 50% कमीशन का जिक्र किया गया है कि ठेकेदारों से यह कमीशन के तौर पर मांगा जा रहा है। बीजेपी ने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। प्रियंका गांधी ने देखिए इसे लेकर एक ट्वीट किया है जिस वक्त हम आपको दिखा भी दे रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा का यह ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि इंदौर, भोपाल, दिल्ली में FIR दर्ज करवाने की तैयारी भी है। तो एक लेटर जिसको लेकर सियासत काफी गर्मा रही है और जो वायरल हो रहा है काफी, इसमें इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि 50% कमीशन मांगा जा रहा है ठेकेदारों से इस काम को करवाने को लेकर। और इसी करप्शन का आरोप लगाते हुए बीजेपी को घेरा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। प्रियंका गांधी ने इस को प्रमुखता से उठाते हुए इस मुद्दे को ट्वीट किया और बताया कि किस तरीके से अब कांग्रेस इसे उठाने जा रही है, कहां कहां पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। मामला दर्ज कराने की बात भी प्रियंका गांधी ने की है। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष VD शर्मा ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधा, तो वहीं पूर्व CM कमलनाथ ने भी शिवराज सरकार को घेरा है। झूठे पत्र के आधार पर पूरे देश के अंदर जो मध्य प्रदेश को बदनाम करने का प्रयास किया है, ये कर्नाटक नहीं है, ये मध्य प्रदेश है। आपने झूठा पत्र जारी करके प्रियंका गांधी ट्वीट कर रही हैं। शर्मानी चाहिए प्रियंका गांधी को। इस पत्र की सत्यता क्या है बताएं वो, अगर नहीं बताएंगी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के अंदर साइबर क्राइम में भी हमने कंप्लेंट की है, हमने इंदौर के अंदर, अभी भोपाल के अंदर, ग्वालियर के अंदर, सभी जगह पर इनके खिलाफ हम FIR दर्ज कराएंगे। और ये झूठे पत्र के आधार पर आपने कॉन्स्पिरेसी की है, आपने बदनाम करने का प्रयास किया है, इसका जवाब प्रियंका गांधी जी या जिन्होंने ट्वीट किया है, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, मिस्टर बंटा ढार और मिस्टर करपनाथ, इनको भी जवाब इसका देना पड़ेगा। हजारों मामले हैं, किन किन पर केस करेगी बीजेपी? अब जब खुलासा हो रहा है पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का, तो इनके पास उपाय क्या बचा? देखिए, फर्जी होए सही होए, ये सब खड़े हुए लोगों से पूछ लीजिए, ये एक पत्र क्या 100-200 पत्र आपको बता देंगे। तो देखा आपने कि किस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप, कांग्रेस की तरफ से बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर बीजेपी कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस पर नजर हमारी रहेगी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।